ओके अब हम लोग स्टडी करते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनके बारे में. ये दो फंक्शंस सीक एक्स एंड सीक इनवर्स एक्स. तो पहले वाई इज इक्वल टू सीक एक्स का ग्राफ देखते हैं. तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी एक्स एंड वाई एक्सिस. नाउ सीक जीरो, सीक आपको याद रखना होगा सीक एक्स इज वन बाय कॉस एक्स. तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे. कॉस जीरो वन होता है तो सीक जीरो भी वन. ये हमने वन यूनिट का डिस्टेंस लिया हुआ है. ठीक है ओके. तो देखो ट्रेंड क्या है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लिखता हूँ. ठीक है तो जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी. कॉस के जो वैल्यूज़ है वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते जाते हैं. कॉस जीरो वन, कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू, कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, कॉस सिक्सटी इज हाफ जीरो. तो वैल्यूज़ डिक्रीज हो रहे हैं. तो सीक के वैल्यूज़ क्या होंगे, सीक के वैल्यूज़ इंक्रीज होंगे. इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल इज़ वन टू बाई रूट थ्री रूट टू टू एंड वन अपॉन जीरो मीन्स इन्फिनिटी. मतलब जैसे जैसे आप एंगल को 90 की तरफ लेके जाओगे सीक के वैल्यूज़ इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे. ठीक है तो हम लोग फिर इस ग्राफ पे आ जाएंगे. लेट्स से ये जो गैप है ये है x इज इक्वल टू 90 का एंगल, x इज इक्वल टू पाई बाई टू. तो यहाँ से जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जाओगे x, सीक के वैल्यूज इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे. तो ऐसा ग्राफ दिखेगा. सिमिलरली कॉस एक इवन फंक्शन है तो सीक एक्स भी एक इवन फंक्शन होगा. इवन फंक्शन मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी सीक का वही वैल्यू होगा. मतलब अगर आप 0, माइनस 30, माइनस 45, माइनस 60, माइनस 90 नेगेटिव एंगल्स लेते हो तो सीक के वैल्यूज फिर यही आएंगे, क्योंकि सीक ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज सीक ऑफ एक्स. इसके चलते क्या होगा कि सीक ऑफ 0 इज 1, सीक ऑफ माइनस 30 इज 2 बाई रूट 3, सीक ऑफ माइनस 45 इज रूट 2 एंड सीक ऑफ माइनस 60 इज 2, सीक ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज स्टिल, सीक ऑफ माइनस 90 इज स्टिल इन्फिनिटी. तो क्या होगा कि यहाँ पे जब आप x के वैल्यूज नेगेटिव लोगे y स्टिल पॉजिटिव ही है. तो ये एंगल है x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू. तो सीक के वैल्यूज इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे. ये एक्चुअली टच नहीं होगा, गलती से हो गया, बट ऐसा कर्व जाएगा. इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, y विल गो टू इन्फिनिटी. ठीक है अब 90 से जैसे ही आप आगे जाते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप चले गए. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो क्या होगा कि सीक भी नेगेटिव होगा. ओके तो अगेन पाई बाय टू के आसपास में सीक हमेशा इन्फिनिट होगा. तो सीक पाई बाय टू के आगे मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप चले गए सीक इन्फिनिटी होगा बट माइनस इन्फिनिटी. और फिर सेम ये वाला ग्राफ अगर आप वैल्यूज लेके देखोगे सेकेंड क्वाड्रेंट के आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा. जैसे यहाँ पे वन है तो यहाँ पे होगा माइनस वन, दिस लेवल इज माइनस वन, दिस इज प्लस वन. अच्छा ये एंगल कौन सा होगा जहाँ पे माइनस वन आपको मिलेगा, ये होगा पाई 180, दिस वॉज पाई बाई टू, दिस इज ज़ीरो पाई. ठीक है और फिर सेम ये ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होगा. तुमको यहाँ पे एक और एंगल ड्रॉ करना होगा. नाउ पाई बाई टू से लेकर पाई कितना, 90 हमने ऐड किया, पाई में फिर 90 ऐड कर दो, सो दैट इज़ 3 पाई बाई टू. सो 3 पाई बाई टू पे जाके फिर ऐसे होगा माइनस इन्फिनिटी. फाइन ओके सेम चीज़ यहाँ पे होगी रिपीट. नाउ दिस एंगल इज माइनस पाई बाई टू और यहाँ पे भी आपको यही वाला ट्रेंड मिलेगा. ऑल्टरनेट ये वाला आपको ग्राफ मिलेगा फिर ये वाला, फिर यहाँ पे ऐसे ही ऊपर ग्राफ आएगा फिर नीचे ऐसे. सिमिलरली इसके बाद यहाँ पे कौन सा ग्राफ आएगा, ऐसा वाला. ठीक है तो यहाँ पे हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. यहाँ पे एक एंगल होगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी वन एंड देन अगेन बैक टू माइनस इन्फिनिटी. व्हाट आर दीज एंगल्स, ये माइनस 90, ये होगा माइनस पाई एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाय. अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है कि भाई कैसे मैंने फटाफट ये वाले ड्रॉ कर दिए
बहुत सिंपल है, आप आराम आराम से क्या करो, एंगल्स लेते जाओ, 0 90, फिर इनके बीच के कुछ एंगल्स लेते जाओ, सीक के वैल्यूज देखो और प्लॉट बना के देखोगे, ऐसा ही आपको मिलेगा 90 के आसपास। इट विल बी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इन्फिनिटी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस इन्फिनिटी। पाई पे सीक का वैल्यू -1 होता है, इरा -1, -5 पे भी -1 होता है, तो सब एंगल्स और जो वैल्यूज है वो मैच कर जाएंगे। दिस इज हाउ द ग्राफ इज। अगेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कि ये मेनी वन ग्राफ है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, पीरियडिक तो है ही, इसका पीरियड कितना है, जितना कोसाइन का पीरियड होता है। देखो ये वाला जो लोब है, ये फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ ना, और इसके बीच में गैप देखो कितनी है, -π से लेकर π। तो x का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करो, x यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हुआ, तो π - -π कितना हुआ, 2π। 2π इसका पीरियड है, क्योंकि 2π कॉस का भी पीरियड होता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, सीक एक पीरियडिक फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो अगेन इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ओके। इसका अगर सीक एक्स की, अगर हम लोग डोमेन की बात करें, तो सीक एक्स का डोमेन क्या है, तो सीक एक्स का जो डोमेन है वो है रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स एक्स के वैल्यूज़ ही डोमेन होता है। अब कौन से वैल्यूज़ अलाउड नहीं है लेना, सीक कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, देखो π/2 पे डिफाइंड नहीं है, 3π/2 पे डिफाइंड नहीं है। सीक वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा जहाँ पे कॉस जीरो बनता है। कॉस कब कब जीरो बनता है, 2n+1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो ये इसका डोमेन हो गया। इसका रेंज क्या है, हम लोग इसका को डोमेन ही रेंज बना देंगे। तो इसका रेंज क्या है, देखो 1 से इन्फिनिट, -1 से -इन्फिनिट। और कहाँ पे आपको इसका ग्राफ दिख रहा है, वाई के कौन से वैल्यूज़ खाली है, वाई के कौन से वैल्यूज़ नहीं लिए जा रहे, -1 से 1 देखो खाली है। ये ग्राफ कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आ रहा, तो 1 से इन्फिनिट और -1 से -इन्फिनिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, -इन्फिनिट से लेकर -1 ये, और फिर आएगा यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिट। ये क्या है, इसका रेंज है। अच्छा, इस रेंज को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। सीक एक्स जो है उसका डोमेन है रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, एंड इसका रेंज है -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिट। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जो इसका रेंज है उसको हम लोग लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स -1, 1। रियल नंबर्स में से -1, 1 की इंटरवल हटा दो, तो यही इंटरवल बचती है। तो आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो यही लिखा रहता है, ठीक है, ओके। तो मेनी वन फंक्शन है, अगर इसका इन्वर्स बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसका डोमेन कट शॉर्ट करना होगा ताकि ये 1-1 बन जाए, ठीक है। तो डोमेन कैसे कट करेंगे, देखो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to π/2, तो हम लोग 0 to π/2 की इंटरवल लेंगे, बट 0 और π/2 के बीच में 1 से इन्फिनिट वैल्यूज सीक एक्स के कवर हो गए, बट उसके -1 से -इन्फिनिट भी वैल्यूज़ है, वो कहाँ पे कवर होंगे, ये क्वाड्रेंट लेके नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 से इन्फिनिट है। तो हमारे पास ऑब्वियस चॉइस बचती है π से लेकर π/2, क्योंकि अगर आप ये एंगल्स लेते हो, एक्स के वैल्यूज़ लेते हो, वाई इज इक्वल टू सीक एक्स फंक्शन में आप π/2 और π के बीच के वैल्यूज़ लेते हो, तो सीक एक्स का वैल्यूज़ -1 से -∞ आता है, मतलब उसकी पूरी रेंज जो है वो कवर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे f, सीक एक्स का डोमेन कट शॉर्ट करेंगे, तो इसका डोमेन अब होगा 0 से लेकर π, 0 से लेकर π। ये देखो यहाँ पे 0 से लेकर π/2, तो 1 से इन्फिनिट कवर हो गया, और π/2 के आगे, π/2 नहीं ले सकते, π/2 के आगे जाना पड़ेगा, π/2 से लेकर π, तो हमारा -∞ से -1 ये रेंज कवर हो जाएगा। तो 0 से लेकर π हम लोग इसका डोमेन बना देंगे, सीक एक्स को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, सीक एक्स का कट शॉर्ट कर रहे हैं डोमेन, और π/2 हमको हटाना होगा, ठीक है। तो ये डोमेन हमने कर दिया, तो रेंज हमको क्या मिल रही है, वही -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिट, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स -1, 1।
तो ये अगर हम लोग फंक्शन बना दें, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि यहाँ पे तो इंक्रीजिंग और फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग, नहीं नहीं यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, टोटल इंक्रीजिंग फंक्शन मुझे मिल गया और ये वन वन फंक्शन बन गया। मतलब अगर आप इसका डोमेन कट शॉर्ट करते हो तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा, ये फंक्शन ऐसे दिखेगा, ये पाई बाई टू का वैल्यू और फिर ये पाई का वैल्यू वन से लेकर इन्फिनिट, वन से लेकर इन्फिनिट इसके बीच में एंड माइनस इन्फिनिट से लेकर माइनस वन। ओके सो दिस इज नाउ अ वन वन फंक्शन बिकॉज इफ यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस इट कट्स एट वन पॉइंट ओनली, दिस बिकम्स अ वन वन फंक्शन, दिस इज़ अ वन वन ऑन टू फंक्शन। अब इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा तो सीक इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, एफ इन्वर्स, मतलब सीक इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा, ये देखो सीक का डोमेन ये है, रेंज ये है, सीक इन्वर्स क्या होगा, उसका डोमेन ये होगा और उसका रेंज होगा ज़ीरो से लेकर पाई, ऐसे हम लोग लिखेंगे ज़ीरो से लेकर पाई और पाई बाई टू को हटा दो, पाई बाई टू को हटा दो, ये मैं ढंग से यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे दोनों चीज़ें लिखता हूँ, सीक एक्स और सीक इनवर्स एक्स, मॉडिफाइड सीक एक्स। तो मॉडिफाइड सीक एक्स कैसा दिखेगा, मॉडिफाइड सीक एक्स का जो डोमेन है वो ये है, पाई बाई टू को हटा दो, इसका डोमेन और इसका रेंज है रियल नंबर्स माइनस माइनस वन कोमा वन। सीक इनवर्स उसका डोमेन ये होगा और उसका रेंज होगा जीरो से लेकर पाए, पाए बाई टू को हटा दो। अब हम लोग एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ें ड्रॉ करेंगे, सीक और सीक इनवर्स। मिरर इमेज का हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना ज़ीरो, ये है एक्स एक्सिस, हमको बीच में एक पाई बाई टू चाहिए, तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, दिस इज एक्स इज इक्वल टू पाई, फाइन। तो ये है वन, लेट्स से वन से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। ओके ये अपना सीक एक्स का ग्राफ है। हम लोग y इक्वल टू एक्स लाइन बनाएंगे बिल्कुल बीचों बीच, ओके। अब हमको बनाना होगा इसका मिरर इमेज, इन ग्राफ्स का मिरर इमेज बनाना होगा ताकि हमको सीक इनवर्स का जो ग्राफ है वो मिल जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सैंपल वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। देखो सीक ऑफ ज़ीरो क्या था, वन, तो ज़ीरो क्या होगा, सीक इनवर्स वन। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक्स का वैल्यू वन रखते हो सीक इनवर्स फंक्शन में, अगर आप एक्स का वैल्यू वन रखते हो तो वाई का वैल्यू ज़ीरो होगा, वाई इज इक्वल टू सीक इनवर्स एक्स। आपको वैसे विजुअलाइज करना है वाई इज इक्वल टू सीक इनवर्स एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये रहा x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 0, तो हमको इस ग्राफ का एक पॉइंट मिल गया व्हेन x इज 1 y इज 0। तो ये सीक एक्स के हमने ग्राफ ड्रॉ करके रखे हैं, ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू मतलब 1.57, तो 1 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो 1, 0 ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स से हमने एक और वैल्यू लिया x का, इंक्रीज करते गए, तो सीक ऑफ रूट टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीक ऑफ पाई बाय फोर इज रूट टू, तो सीक इनवर्स रूट टू क्या होगा, पाई बाय फोर, ये एक्स और फिर ये वाई, तो एक्स इज रूट टू वाई इज पाई बाय फोर। रूट टू मतलब थोड़ी वैल्यू बढ़ गई और रूट टू थोड़ा और आ गया 1.41 एंड पाई बाय फोर थोड़ा वैल्यू बढ़ गया, यहाँ पे कहीं आएगा। अब ये 1 है तो 1.57 थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब पाई बाई टू यहाँ पे होगा। हमको सीक इनवर्स प्लॉट करना है ना,
ये पाई बाई टू का लेवल ड्रॉ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो सीक ऑफ 90 इन्फिनिट होता है, तो सीक इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, सीक इनवर्स इन्फिनिटी होगा पाई बाई टू, ये एक्स और फिर ये वाई, एक्स इन्फिनिट तो वाई पाई बाई टू। अच्छा तो यहाँ से समझ में आ गया कि जैसे जैसे आप x को इन्फिनिट की तरफ लेके जाओगे सीक इनवर्स फंक्शन आपको पाई बाई टू की तरफ टेंड करता हुआ दिखेगा। हमको सीक इनवर्स प्लॉट करना है तो x को जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे सीक इनवर्स पाई बाई टू की तरफ टेंड करेगा ऐसे। ओके तो ये किसका मिरर इमेज दिख रहा है, ये इस ग्राफ का मिरर इमेज। फाइन तो दिस इज ग्राफ ऑफ सीक इनवर्स x। ओके अब इसका भी तो मिरर इमेज होना चाहिए ना, तो इसका मिरर इमेज देखते हैं कैसे करें। ऐसे ही करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो सीक ऑफ 3π/4, सीक ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सीक ऑफ 3π/4 इज -√2। फाइन उसके बाद क्या लिख सकते हो आप, 3π/4 इज सीक इनवर्स -√2, सीक इनवर्स -√2। तो x कोऑर्डिनेट -√2, तो y कोऑर्डिनेट 3π/4। ओके तो x कोऑर्डिनेट -√2, हमने √2 यहाँ पे कहीं लिया है तो -√2 यहाँ पे लेना होगा। 3π/4 काफ़ी ऊपर की वैल्यू है क्योंकि पाई बाई टू यहाँ पे है और 3π/4 ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा। अच्छा अगर पाई बाई टू यहाँ पे लिया है तो पाई यहाँ पे लेना होगा, पाई बाई टू और पाई के बीच में 3π/4 होगा। ठीक है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा -√2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एंड 3π/4 यहाँ पे। फाइन देखो नेक्स्ट एंगल कौन सा लेंगे, सीक ऑफ पाई, सीक ऑफ पाई इज -1, तो आप क्या लिखोगे पाई इज इक्वल टू सीक इनवर्स -1। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट -1 वाई कोऑर्डिनेट पाई। फाइन तो हमने यहाँ पे -√2 लिया है तो अप्रोक्सीमेटली -1 यहाँ पे आएगा और पाए यहाँ पे। ठीक है तो हमको दो पॉइंट्स मिल गए, तो ये दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ऐसे ये अपनी पाई बाई टू की लेवल है। ओके अब एक आपको चीज़ समझनी होगी, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आप एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हो और पाई बाई टू के करीब लेते हो ऐसे, तो सीक यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है, और जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हो ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बट स्टिल पाई बाई टू के पास में हो तो सीक माइनस इन्फिनिटी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो सीक ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से जस्ट पहले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज़ प्लस इन्फिनिटी, एंड सीक ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के आप आगे निकल गए 90 के थोड़ा आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में इट इज़ माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमको और दो पॉइंट्स मिल गए, पाई बाई टू माइनस इज सीक इनवर्स इन्फिनिटी एंड पाई बाई टू प्लस इज सीक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे x और y, तो x अगर आप इन्फिनिट लेते हो y आपको लेना होगा पाई बाई टू माइनस, और x अगर आप माइनस इन्फिनिटी लेते हो तो आपको लेना होगा पाई बाई टू प्लस। पॉइंट्स मिल गए आपके पास, तो x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओगे तो y होगा सीक इनवर्स फंक्शन के लिए y क्या होगा पाई बाई टू माइनस, वो हमने ऑलरेडी प्लॉट किया है। देखो x को जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे y जो है पाई बाई टू के जस्ट नीचे होगा, पाई बाई टू माइनस मतलब पाई बाई टू के नीचे। और यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, x को अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो y जो है सीक इनवर्स फंक्शन के ये पॉइंट्स है, तो सीक इनवर्स पाई बाई टू प्लस मतलब पाई बाई टू से थोड़ा ऊपर होगा। थोड़ा ऊपर का मीनिंग क्या, ग्राफ कैसा दिखेगा, x को जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो y पाई बाई टू प्लस होगा पाई बाई टू के ऊपर, दैट्स इट। ये किसका मिरर इमेज है, ये जो है ये किसका मिरर इमेज है, ये इस ग्राफ का मिरर इमेज है, इसका इसमें मिरर इमेज, और ये वाला सीक ये भी सीक इनवर्स ही है और ये इसका इमेज मिरर इमेज। ठीक है तो ऐसे ग्राफ्स होंगे इसके, बस आपको याद ये रखना है इसका डोमेन सीक इनवर्स का और इसका रेंज।
और ये इसका ग्राफ।